हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू SSD एजुकेशनल क्लासेस. सर, आई एम योर इंस्ट्रक्टर कशिश मेहरा एंड टुडे आई एम गोइंग टू टेल यू अबाउट द MCQ विच इज़ डिपेंडेंट अपॉन कोऑपरेटिव सोसाइटी. तो आइए देखते हैं कुछ MCQ जो कोऑपरेटिव सोसाइटी पे बेस्ड हैं. सबसे पहला MCQ बताता है द प्रेसिडेंट ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी इज़. कोऑपरेटिव सोसाइटी का प्रेसिडेंट कौन बन सकता है? एम्प्लॉय, ओनर, एडवाइसर या ऑफिसर? तो ओनर, किसी भी कोऑपरेटिव सोसाइटी का ओनर प्रेसिडेंट बन सकता है. वहीं सेकेंड क्वेश्चन में हम देखते हैं कि द मेंबर ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी इज. कोऑपरेटिव सोसाइटी का जो मेंबर है वो कैसा होना चाहिए? कंपलसरी, ऑप्शनल, फ्री ऑफ चार्ज, नन ऑफ द अबव. तो यहाँ पर बी ऑप्शन के लिए हम जाते हैं कि ऑप्शनल होना चाहिए, कि मेंबरशिप किसी भी मेंबर को कोऑपरेटिव सोसाइटी की लेनी है या नहीं लेनी है. थर्ड क्वेश्चन की तरफ अगर हम चलते तो हम ये देखते हैं कि द फाउंडर ऑफ मेंबर ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी इज. कोऑपरेटिव सोसाइटी का फाउंडर कौन है? कोऑपरेटिव सोसाइटी का फाउंडर उसी कोऑपरेटिव सोसाइटी का प्रमोटर रहता है. और प्रमोटर कौन होता है? वो पर्सन जो किसी भी बिजनेस को आगे बढ़ाता है, जो आइडियाज़ लेकर आता है और जो कंपनी को या बिजनेस को प्रमोट करता है, उसे हम कहते हैं प्रमोटर. वहीं नेक्स्ट क्वेश्चन में हम देखते हैं कि द एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी इज. कोऑपरेटिव सोसाइटी का एडमिनिस्ट्रेटर ऑफिसर कौन हो सकता है? चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ही एक कोऑपरेटिव सोसाइटी का एडमिनिस्ट्रेटर ऑफिसर हो सकता है. यहाँ पे था हमारे लिए ए. क्वेश्चन बता रहे हैं डैश इज द प्रिंसिपल ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी. डैश इज द प्रिंसिपल ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी. कोऑपरेटिव सोसाइटी का प्रिंसिपल क्या है? कैपिटल, इक्वल स्टेटस, कैश, ट्रेडिंग या वॉलेंट्री एसोसिएशन. तो राइट आंसर यहाँ पर बी है, जो कि है इक्वल स्टेटस. क्योंकि कोऑपरेटिव सोसाइटी में जब भी हम बात करते हैं वन मैन वन वोट की बात आती है. इट मीन्स सभी पर्सन को, सभी मेंबर्स को इक्वल होते हैं. इसलिए यहाँ पर बी ऑप्शन के लिए जाएंगे. मेन प्रिंसिपल कोऑपरेटिव सोसाइटी का है इक्वल स्टेटस. आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन. द कंसेप्ट ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी मीन्स ऑर्गेनाइजिंग अ ग्रुप ऑफ कॉमन डैश नीड्स. ऑर्गेनाइजिंग अ ग्रुप ऑफ कॉमन नीड्स. तो यहाँ पर कॉमन नीड्स को ध्यान में रखते हुए इन्होंने बताया है बी पॉइंट. कौन सी नीड्स? इकोनॉमिकली. इट मीन्स कोऑपरेटिव सोसाइटी के लोग इसलिए साथ में आ रहे हैं ताकि उनकी इकोनॉमिक नीड्स को पूरा किया जा सके. नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अगर हम चलते हैं तो देखते हैं कि डैश इज द फिलॉसफी बिहाइंड द कोऑपरेटिव सोसाइटी. वन मैन या वन पर्सन वन वोट. यहाँ पे हमारा राइट ऑप्शन जाएगा वन वोट फॉर वन पर्सन. ये हमने आपको पहले ही बताया था, क्योंकि कोऑपरेटिव सोसाइटी इक्वल स्टेटस को ध्यान में रखते हुए चलती है, इसलिए इसका मेन फिलॉसफी या मेन प्रिंसिपल कहलाता है वन वोट वन पर्सन. इंट्रोड्यूसिंग द न्यू एम्प्लॉय टू द जॉब लोकेशन सराउंडिंग इज कॉल्ड डैश. इंट्रोड्यूसिंग द न्यू एम्प्लॉय टू द जॉब सराउंडिंग, जॉब लोकेशन सराउंडिंग इज कॉल्ड. इसको हम क्या कहते हैं? इंडक्शन. इंडक्शन का मतलब क्या होता है? कि नए एम्प्लॉय को ढूंढना जो जॉब के लिए या लोकेशन की बेस्ड पे रहेगा. विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज मैनेजमेंट. यहाँ पे ह्यूमन रिसोर्सेज मैनेजमेंट में कौन सा ऑब्जेक्टिव आएगा? मतलब HRM का मेन ऑब्जेक्टिव क्या रहता है? प्रोडक्टिविटी, क्वालिटी ऑफ वर्क लाइफ, ऑर्गेनाइजेशनल चेंज या सभी? यहाँ पे सभी, मतलब तीनों ऊपर के पॉइंट्स ABC जो हैं वो हमारे मेन ऑब्जेक्टिव हैं HRM के. HRM मीन्स ह्यूमन रिसोर्सेज मैनेजमेंट. नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अगर हम चलते हैं तो देखते हैं वहाँ पर बताया गया है कि ह्यूमन रिसोर्सेज प्लानिंग इज द डैश स्टेप इन मैनेजमेंट फंक्शन. ह्यूमन रिसोर्सेज प्लानिंग जो रहता है वो पहला फंक्शन, फर्स्ट प्राइमरी फंक्शन है मैनेजमेंट फंक्शन का, जहाँ पे हम प्लानिंग करते हैं कि किस तरीके से एम्प्लॉयज़ को कौन सी पोस्ट पे उनको लगाया जाए. मीटिंग ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर शुड बी कॉल्ड मिनिमम डैश टाइम्स इन अ ईयर. एक साल में कम से कम बोर्ड मीटिंग कितनी बार बुलाई जानी चाहिए? तो कम से कम यहाँ पे आंसर है एक बार तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की मीटिंग होनी चाहिए. कोऑपरेटिव मैनेजमेंट इज कंट्रोल्ड बाय. किसके द्वारा कंट्रोल किया जाता है? कोऑपरेटिव मैनेजमेंट जो पूरा का पूरा कंट्रोल किया जाता है वो है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स. प्रमोटर इससे स्टार्ट जरूर करता है, लेकिन इसको कंट्रोल जो करता है वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स करते हैं. डॉक्टर धनंजय राव गर्गिल कमेटी स्ट्रेस्ड ऑन. उन्होंने कौन सी कमेटी पे स्ट्रेस किया था? वो थे कोऑपरेटिव एजुकेशन. कई सोसाइटी ऐसी रहती हैं जो कोऑपरेटिव एजुकेशन को साथ में लेके चलती है, तो यहाँ पर उन्होंने कोऑपरेटिव एजुकेशन के ऊपर फोकस किया था. कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट वॉज पास्ड इन द ईयर. कौन से ईयर में कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट पास किया गया था? 1914, 1912, 1960 या 1950? तो राइट आंसर है 1912. मॉडल कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट वॉज पास्ड इन 1912, क्योंकि कोऑपरेटिव सोसाइटी भी उसी साल बनी थी 1912 में, और
मॉडल कोऑपरेटिव एक्ट सोसाइटी एक्ट भी उसी साल पास हुआ था, दैट इज 1912. कोऑपरेटिव आर डैश ऑर्गेनाइजेशनल ऑर्गेनाइजेशन कंट्रोल बाय देयर मेंबर. किसके द्वारा कंट्रोल है? तो कोऑपरेटिव आर डोमेस्टिक ऑर्गेनाइजेशन, मतलब जो सोसाइटी, जो ऑर्गेनाइजेशन सोसाइटी में ही है, मतलब यहाँ से हम देखते हैं कि बाहर नहीं है, हमारे डोमेस्टिक एरिया में कवर है, सिर्फ कोऑपरेटिव सोसाइटी उनको ही कवर कर सकती है. नाबार्ड वॉज स्टैब्लिश्ड ऑन, नाबार्ड कब स्टार्ट किया गया था? नाबार्ड वॉज स्टैब्लिश्ड ऑन 12 जुलाई 1982. कोऑपरेटिव बैंक इन इंडिया हैज़, कोऑपरेटिव बैंक जो इंडिया में है वहाँ पे थ्री टायर सिस्टम है, और थ्री टायर सिस्टम में अगर मैं आपको बताऊँ तो वो है प्राइमरी कोऑपरेटिव सोसाइटी, सेकेंडरी कोऑपरेटिव सोसाइटी, और अगर हम देखते हैं तो स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी की तरफ जाएंगे. इट मीन्स प्राइमरी कोऑपरेटिव सोसाइटी जो डिस्ट्रिक्ट लेवल को कवर करती है, फिर उसके बाद है स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी, और एक है नेशनल कोऑपरेटिव सोसाइटी. कोऑपरेटिव बैंक इन इंडिया आर रजिस्टर्ड अंडर, किसके अंदर रजिस्टर्ड है? बैंक लॉ कोऑपरेटिव एक्ट 1965, बैंक रेगुलेशन एक्ट 1949, कंपनीज एक्ट 1956, या फिर नन ऑफ द अबव. तो हमारे यहाँ पे राइट ऑप्शन है ए, बैंक लॉ कोऑपरेटिव एक्ट 1965. इसके अंतर्गत कोऑपरेटिव बैंक जो है वो रजिस्टर्ड किए जाते हैं. रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया फॉलो द मिनिमम रिजर्व सिस्टम इन इशूइंग करेंसी. करेंसी किस साल में? करेंसी सिंस, कब से उन्होंने इशूइंग करेंसी स्टार्ट किया था? मिनिमम रिजर्व सिस्टम, दैट इज 1956 से रिजर्व बैंक ने मिनिमम रिजर्व सिस्टम स्टार्ट किया था. तो ये थे हमारे फर्स्ट 20 क्वेश्चंस जो बेस्ड थे कोऑपरेटिव सोसाइटी पे. इसका सेकेंड वीडियो आप देखना ना भूलें, क्योंकि ये सिर्फ 20 क्वेश्चन है, हम आपको सेकेंड पार्ट में नेक्स्ट 20 क्वेश्चंस भी पढ़ाने वाले हैं. होप है स्टूडेंट्स आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा. अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए. थैंक यू.